प्रदेश में पंचायत चुनाव 21 महीने की देरी से ही सही हो तो गए। हालांकि अभी पंच सरपंच काम शुरू करने के बजाय ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में धरने प्रदर्शन पर रहे। अब प्रदेश के नगर निगमों के चुनाव को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और नया निगम बने मानेसर में चुनाव ड्यू है। फरीदाबाद में तो पिछले साल फरवरी में चुनाव होने थे, अभी भी नहीं पता कब होंगे क्योंकि मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। एक तरह से नगर निगम चुनावों को लेकर उदासीनता बनी हुई है। ड्रॉ हुआ था कि भाई इसको एससी रिजर्व किया जाए और उस समय एससी रिजर्व पानीपत मेयर की सीट का एक डिक्लेरेशन हुई थी लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो मेरा अपना मानना है या मेरी अपनी सोच है, ये भी हो सकता है कि उस समय जब ड्रा निकाला था उस समय बीसीए का जो रिजर्वेशन था वो उसको ध्यान में रखते हुए वो ड्रा नहीं निकाला गया था। जहां तक मेरी अपनी सोच है बीसीए को शामिल नहीं किया गया था ड्रॉ में आपके। यस बीसीए को शामिल नहीं किया गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक चूक रही होगी उस समय। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार 2024 के लोकसभा और फिर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्र के वोटर्स का मूड जानने को नगर निगम चुनाव करवा सकती है। सूत्र बताते हैं कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगमों के चुनाव होने हुए तो अगले 6 महीनों में हो जाएंगे वरना नहीं होंगे। वैसे जिन 5 नगर निगमों में दिसंबर 2018 को चुनाव हुए थे और 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे, वहां भी दिसंबर 2023 में चुनाव ड्यू हो जाएंगे। लेकिन जब ड्रॉ निकला था बीसीए का जो सरकारी रिजर्वेशन नोटिफिकेशन हो चुका था उसका, जो रिजर्वेशन देने के फैसले का नहीं, उस समय रिजर्वेशन देने के फैसले का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उस समय, वो शायद मामला हाई कोर्ट में लंबित था। हाई कोर्ट की उससे एक मैसेज ये था सरकार को उस समय कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करें और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आप अगले फैसले लें। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो चुका है, उसका मतलब एक जो रिकमेंडेशन भी आ चुकी है के बीसीए का रिजर्वेशन जो आठ सरकार देने का भी फैसला कर लिया है। मतलब पंचायत चुनावों के नतीजे देखने के बाद शायद सरकार नगर निगमों में अभी चुनाव ना कराए क्योंकि इसके बाद बड़े चुनाव होने हैं। वैसे भी गठबंधन सरकार के दोनों दलों के सामने अब चुनौतियां बड़ी हैं और बढ़ गई हैं। इसके भी आगे ये कि प्रदेश में डायरेक्ट चुनाव होने के बाद भी मेयर को पावर तो नहीं मिली, एमएलए भी क्यों चाहेंगे कि मेयर को पावर दी जाए, ऊपर से कांग्रेस का डर। यही वजह है कि प्रदेश में नगर निगम चुनाव की चर्चा तो है पर होंगे कब किसी को दूर दूर तक नहीं पता। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।